नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जयपुर सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। पाली जिले के जतारण क्षेत्र निवासी दंपति बाइक पर सवार होकर भोपालगढ़ क्षेत्र में किसी रिश्तेदार की मौत होने पर उसके 12वीं की रस्म में शामिल होने जा रहे थे। फावी के निकट सामने से तेज रफ्तार के साथ आई एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जतारण क्षेत्र के अगेवा गांव निवासी जेठमल छिंपा अपनी पत्नी पुष्पा के साथ बाइक पर सवार होकर भोपालगढ़ जा रहे थे। भावी के समीप सामने से तेज रफ्तार के साथ आई एक कार ने बाइक को टक्कर मार उछाल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के झोटावाड़ा थाना क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 2 दिन बाद ही रुपये और जेवरात लेकर फरार हो गई। घर में शादी के बाद रिसेप्शन था, सब कुछ राजी खुशी से चल रहा था। अगले दिन ससुराल वालों को बाजार जाने का कहकर निकली थी, इसके बाद वह नहीं लौटी। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नगर विष्णु विहार निवासी रूपचंद कॉन्ट्रैक्टर है। पीड़ित ने बताया कि बुद्ध सिंह नाम का परिचित यूपी की रहने वाली 26 साल की पूजा का रिश्ता लेकर आया था। उसी ने बताया था कि लड़की जान पहचान वाली है। रिश्ता तय होने के बाद 4 मार्च को दोनों की अजमेर में शादी हुई। 2 दिन बाद 6 मार्च को रूपचंद के परिवार की ओर से रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। अगले दिन 7 मार्च को पूजा बाजार जाने का कहकर घर से निकली थी, इसके बाद वह नहीं लौटी। पीड़ित का कहना है कि पूजा बुद्ध सिंह मुन्ना और जितेंद्र ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा में एक नाबालिग अपने से 6 साल बड़े फेसबुक फ्रेंड से मिलने ग्वालियर पहुंच गए। नाबालिग घर वालों को स्कूल का जाने का कहकर निकली थी, शाम तक नहीं लौटी तो परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो ग्वालियर बताई। उसे CWC के सामने पेश किया गया, यहां उसने घर वालों के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति सदस्य द्वारा बालिका को बालिका गृह नांता में अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। रोस्टर सदस्य आबिद अब्बासी ने बताया कि बालिका 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। नाबालिग की मां ने थाने में शिकायत दी थी कि वो 10 अप्रैल को स्कूल की कहकर घर से निकली थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बालिका को ग्वालियर से डिटेन किया। उसकी दोस्ती ग्वालियर के 21 साल के लड़के से फेसबुक पर हुई थी, वह उसी से मिलने के लिए घर से निकली थी। इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी ने बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर में ग्रुप सी के 36 और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर के लेवल 1 और लेवल 2 के 14 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोरकीपर 2, कुक, MTS, वॉचमैन, लश्कर, वॉशरमैन, टेलर, बार्बर, रेंज चौकीदार और सफाईकर्मी के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवार को फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करते हुए द कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड के लिए 30 अप्रैल तक भेजना होगा। 3 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी युगल ने लव मैरिज कर ली। इस पर दोनों के परिवार के लोग उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर दोनों ने चूरू SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। SP ने रतनगढ़ थाना अधिकारी को प्रेमी युगल को उनके मनचाहे स्थान पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले की रतनगढ़ तहसील के रहने वाले भवानी शंकर सैन और दिया सैनी के बीच पिछले करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 अप्रैल को दोनों घर से भाग गए थे। उसी दिन युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। 6 अप्रैल को दोनों ने अजमेर के आर्य मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने शादी की सूचना अपने परिजनों को दी। इसके बाद से युवक युवती के परिजन इनके जान के दुश्मन बन गए, दोनों को जान से मारने की धमकी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की परीक्षाओं में बतौर प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। CBSE की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। CBSE की वेबसाइट पर परीक्षार्थी एप्लीकेशन नंबर, पूर्व परीक्षा के रोल नंबर या परीक्षार्थी के नाम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेगा। परीक्षार्थी का नाम अपलोड करने पर माता और पिता का नाम भी अपलोड करना होगा, इसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। प्रीवियस परीक्षा के रोल नंबर से एडमिट कार्ड अपलोड करने पर वर्ष 2021 की परीक्षा का रोल नंबर अपलोड करना होगा, इसके बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकेगा। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंदिशों में शादियां हुई, लेकिन आज 15 अप्रैल से 9 जुलाई तक शादी के इवेंट्स पर राजस्थान 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करेगा। कोरोना से पहले तक शादी के सारे फंक्शन 1 या 2 दिन में हो जाया करते थे। वहीं अब मेहंदी से लेकर महिला संगीत व रिसेप्शन आदि में 4 से 5 दिन लगेंगे। मैरिज गार्डन, होटल व लॉन आदि की बुकिंग के आधार पर कहा जा सकता है कि इन विवाह मुहूर्त में राजस्थान में 2 लाख तक शादियाँ होंगी।
विवाह के इस सीजन में प्रदेश भर में हजारों शादियां होंगी। जोड़ों को पानी ग्रहण संस्कार होगा। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना से पहले तक 10 में से 3 शादियां रॉयल अंदाज में होती थी, लेकिन अब 10 में से 7 शादियों में प्री वेडिंग शूट, सिनेमाटोग्राफी, महिला संगीत, मेहंदी जैसे कार्यक्रमों में अलग अलग थीम, रिसेप्शन में सेल्फी बूथ, ड्रोन फोटोग्राफी आदि में के लिए बुकिंग है। इससे लगभग 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार होने की उम्मीद है। पाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक हेड कांस्टेबल की 21 साल की बेटी ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने फंदे पर लटका देखा तो अस्पताल लेकर गए, मगर तब तक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि राजीव गांधी कॉलोनी के रहने वाले दिनेश पारेख और उनकी पत्नी ड्यूटी पर गए हुए थे। बेटा किसी काम से बाहर गया था। इस दौरान बेटी काजल उर्फ बिट्टू ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतका की मां दुर्गा पारेख पुलिस में हेड कांस्टेबल है और पिता होमगार्ड में है। पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मृतका झुंझुनू में बीएससी बीएड कर रही थी। जयपुर जिले की सांगानेर थाना पुलिस ने 60 साल के बुजुर्ग की शिकायत पर 2 सगी बहनों के खिलाफ एक्सट्रॉशन का मामला दर्ज किया है। थाने पहुंचे कैलाश चंद ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि राधिका और एकता नाम की लड़की उन्हें और उनके बेटे विपुल से जबरन पैसा मांग रही हैं। पैसा नहीं देने पर युवतियां पिता पुत्र पर दुष्कर्म करने का केस लगाने की धमकी दे रही हैं। रिपोर्ट में कैलाश ने बताया कि बेटे विपुल की पत्नी का वर्ष 2018 में निधन हो चुका है। इसी बीच उसके पुत्र की मुलाकात 2 लड़कियों राधिका और एकता के साथ हुई। दोनों बहनों ने उसे अकेला देखकर संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मौका देकर राधिका ने बेटे विपुल से शादी करने की इच्छा जाहिर की। विपुल ने मना कर दिया तो राधिका और एकता ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लड़कियां थाने में झूठी FIR दर्ज करवाने की बात करने लगी और 1.5 लाख रुपये ऐंठ लिए। अब 10 लाख रुपये की मांग कर रही हैं। जोधपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में घोड़े पर बैठाने जैसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में मासूम ने दूसरे मासूम पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में मासूम को महात्मा गांधी अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायल मासूम की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं आरोपी मासूम को संरक्षण में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।